वालेकुम। तो यार मैं हूँ आशिम। तो यार आज है इतवार। तो आज हमारे घर में ना बालन का स्टॉक आ चुका है। ये चेक करें बालन ही कितना सारा बालन है। तो यार आज गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो आज हम इस बालन को अंदर रखना है। तो चलिए रखते हैं। अनस भाई भी तैयार हो रहा है, मैं भी कपड़े चेंज करने हैं, रफ कपड़े पहनने हैं, क्योंकि इसके अंदर होती है पंजाबी में कहते हैं इसको कांड कांड लाड़ जाती, हम इसीलिए कपड़े बदलेंगे भाई को। तो यार मैं ना आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरा कज़न है खाला का बेटा, तो ठीक है तकीर उसका नाम है, जो हाइड एंड सीक में जिसने बारी थी, इसने दूसरे नंबर वाली तकीर, वो हो गया था बीमार। बचपन से उसको था आंत का मसला, बड़ी आंत था, ठीक है, उसका ऑपरेशन हुआ था, ठीक, अभी वो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। अब माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद हो गया, तो आज उससे बात भी हो रही है, तो मैं आपको भी उससे बात करवाता हूँ, और अपने यार चैलेंज की रहा उससे प्रमोशन भी करवाते हैं। अरे सही है ना, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें भैया। आप मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे लगातार दुआ करें कि लगातार मुझे जल्द जल्दी छेदी आप करें और मैं घर आ जाऊं, और मेरे भाई के चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ना इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द जल्द हो जाए। मामा 10 मिलियन दवा दा भी कहते वन के थोड़े बंदा मोनेटाइज कर ले यार, देख लो वैसे हाँ वो बोते ज्यादा हैं, कोई नहीं अल्लाह भी कराऊगा इंशाल्लाह, कोई नहीं इंशाल्लाह अल्लाह भी वो कराऊगा। चल तू आ फिर, तू सही हो गया सब तालो आ, तेन कोई चंगी जी ट्रीट खिलौने आ। ये हमारे मोहल्ले के तैयब है, तैयब भाई, और ये का बनाया चेक करे दुआ निकाल रहे हैं भाई। ये भाई लोग लेके जा रहे हैं अंदर, और ये इधर हुक्का पी रहे हैं, और हम लेकर जा रहे हैं अब्दुल बुद्धू भाई, और ये अनस भाई अंदर है। यहाँ पर लगा रहे हैं अंदर भाई, तो सवर अंदर लेके जा रहे हैं, यहाँ भी लगी हुई है काम पर। अनस भाई तो गाइस बहुत मेहनत लग रही है हमारी यार, देखो जी तो गाइस मैं ना वीडियो बनाने के बहाने में ना काम नहीं, बंद कर दे बंद कर, यहाँ पर लेकर जाने हैं कितना सारा, लगभग आधा है, क्या पता आधे से ज्यादा, थोड़ा सा है यहाँ पर अंदर, आधा अभी आधा भी नहीं आया, ढेर लग गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा ढेर लग गया, और गंद सेंध में कितना ज्यादा लग गया। मैंने भी व्लॉग बनाना, तो आप बिरहा थोड़ा सा व्लॉग बनाएगी, चलो भाई यहाँ बनाओ। तो थोड़ा सा रह गया, आधे से ज्यादा अंदर चले गया, आगे अंदर दिखाते हैं आप लोगों को सारा गंदा हो गया। तो गाइस सारा खत्म हो चुका है, ये
ये देखिए सारा खत्म हो गया। तो आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखे भाई इकट्ठा कर रहा है, और ये देखे सारा घर गंदा हो गया। ये चेक करें। ओए होए होए होए, चेक करो गाइस, चेक करो। तो गाइस, तो यार हम लोगों ने बहुत सारा बालन रख लिया है। देखें हालत कैसी हो गई है, सारे कपड़े ख़राब और सेन भी सारा ही गंदा हो गया है, ये देखो। तो अभी हम लोग अपने सेन की सफाई करने लगे हैं। तो हमारा जो है सारा स्टॉक स्टॉक वाला अंदर जो है भर चुका है। इस अंदर में हम लोग अपना सिर्फ बालन ही स्टॉक करते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा बालन आ गया, और अब हम लोग बस करने वाले हैं। तो उसके बाद ये देखे फूल भी निकले हुए हैं, जो हम लोग कब्रिस्तान में लगा के आए थे ना, वो फूल निकले हुए हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसे है कि अभी हम लोग गाइस शाम हो चुकी है, लगभग 4:30-5:30 हो गया। तो दारों का टाइम हो गया था, तो हम आ गए हैं वहेली। और ये हमारा राजू, और आज हम इसको ये मकई डालेंगे पीस कर दूध के अंदर डालकर। ये हमारा राजू है, ये देखे हमारी बहन से राशम अब बकरे को बांध रहा है। ये देखे ये देखे, आजो चलो इसको बांध दिया, आजो आजो जल्दी आओ। तो भाई ये मकई है, मकई के दाने हमने कर लिए थे और बे दिए, 2-3 घंटे बे देने डाल दिए। और ये देखे ऊपर से ऐसे कर देंगे बंद, नीचे ऐसे ऐसे मारेंगे इसको। ये देखो ऐसे ना करो, गंदे हो जाएंगे। ये देखो हम दूसरी तरह कर देते हैं, मारी तरफ भी करो, ऊपर करो। ये देखो ऊपर करो। हाशम तो गाइस मैं पीस रहा हूँ ये मकई, ऐसे पीस देते हैं। तो गाइस हमने ताजा सा दूध डाल लिया, इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये डाल दिया बस इतना सा। अब इसके अंदर डालेंगे ये। तो गाइस ये दूध बना लिया मकई वाला, तो अब राजू को खोल लेते हैं। खुलता नहीं है वैसे, खुल जाएगा। और ये हमारा कट्टू, और ये खुल गया, खा लो। सो गाइस अभी हम लोगों ने भैंसों का दूध वगैरह निकाल लिया, राजू को जो है डाला था हम लोगों ने मकई, हाशिम ने, तो और मकई उसने नहीं खाई क्योंकि पहले कभी नहीं दिखाई, दूध भी डाल लिया था, दूध खराब किया इसने, ठीक है जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस दोजी को दूध देना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे हवेली ग्राउंड में, ग्राउंड का व्यू आपको दिखाएंगे। ग्राउंड के में भोला जो है टूर्नामेंट करवा रहा है, भोला वो पट्टी नहीं है अब्दुल्ला पट्टी जिसका अकाउंट बैन हो गया था टिकटॉक का, भोला और अब्दुल्ला पट्टी टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं जाके, ठीक है जी। तो ये भैंसों का आप थोड़ा व्यू चेक करें, एंड देन अब हम लोग जा रहे हैं अपने ग्राउंड में। तो गाइस अभी मैं ग्राउंड में पहुंच चुका हूं, आपको ग्राउंड का व्यू दिखाता हूं। तो ये देखें मैच हो रहा है, ये अंडर 18 टूर्नामेंट था जो है, तो इधर 25-25 साल वाले खेल रहे हैं प्लेयर, जो थैली के तसीफ एफसी में खेलते हैं वही खेल रहे हैं। तो देखे मैच अंडर 18 टूर्नामेंट है, और 25-25 साल वाले सारे प्लेयर खेल रहे हैं। ये देखो वाइट शर्ट वाला भी 25 साल से ऊपर का है। अरे वो गिरा, हां ओ ओ लाल।
तो गाइस व्यू चेक करें थोड़ा सा, आप ये आवाम भी बैठी हुई है मैच देख रही है। सलीम उल्लाह जो पहले पिछले व्लॉग में आया था, जो दूसरे लड़के को कहता है ये हमारे मोहल्ले की खुसरी है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे मोहल्ले की खुसरी है और बहुत ही खुसरी है। मैं बोलो सच्ची वाला प्यार YouTube पे फेमस हो गया। चल हुन कुछ कहना, गाना गा दे कोई। यहाँ ग्राउंड में मैच तो हो रहे हैं, अभी मगरिब का टाइम हो गया, तो ठीक है जी चलते हैं घर और नमाज पढ़ते हैं मगरिब की, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं। अकलीम कलीम वाला जट जेड़ा दोबारा फिर कुछ कहने लगा है। चल हम बकवास कर कोई पट्टी। केंद्र काल पिस्टल थी आज क्लैश है, तू बुझ दिल है साड़ी यशी है, दुश्मन जो पटना पट ले, गिरे बांग खुले फुल बदमाशी है। चल आप बदमाश चेक करवाई दे, बांध दिखाई अपना डोला दिखाई बांध, देखो बदमाश। पट्टी एक और चार पांच केले से। यार अभी रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो ठीक है तो मैं अपने व्लॉग को करने वाला हूं एंड, ठीक है जी। आज मेरा व्लॉग का एंड हो रहा है तकरीबन 10 बजे, तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। इंशाल्लाह मिलता हूं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही, आई विल सी देन, बाय बाय, नाफीज।